ये हमार मैरिया है तो और खातिर गिफ्ट लाए हैं। एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनाया था। इतना सा सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नजर में जी। मांझी द माउंटेन मैन, जिस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है, हैव यू एवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा आपको रिस्पांस मिलेगा? आज एक यूथ अपने आप को उसके साथ जोड़ पा रहा है। बिल्कुल, यही हमारी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है कि जो कि आज के यूथ को के साथ कनेक्ट करे। और इसी इरादे से हम लोग सारे देश में घूम रहे हैं यूथ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। आज के यूथ को ज़रूरत है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है, एक इंस्पिरेशन आइकॉन की ज़रूरत है, और वो दशरथ मांझी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। कि एक आदमी, एक गरीब से गरीब इंसान ने, एक आम आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल लगा के एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, और वो भी प्यार की खातिर। अब इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी और क्या हो सकती है? सर, सबसे पहले आप दशरथ मांझी के बारे में कहाँ आपने पढ़ा, कहाँ सुना, क्या आपने मतलब उनके बारे में किससे सुने थे आपने अपने डेज में? दो हज़ार सात में दशरथ मांझी का देहांत हुआ जी। और उस वक्त उनके ऊपर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आर्टिकल्स छपे थे जी। और उन आर्टिकल को जैसे पढ़ा और समझा कि एक आदमी ऐसा भी है जिसने नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखा दिया है, और वो भी अपनी सिर्फ अपने जिगर की, अपनी हिम्मत की और अपने कमिटमेंट के भरोसे पर, तो लगा कि ये इतनी ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है और इतनी पैशनेट लव स्टोरी है कि इसको जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके वो ज़रूरी है। सर, मूवी के दौरान काम करते वक्त हर एक आदमी में एक चेंज आता है या कुछ? अभी जैसे आपने एक रियल लाइफ पर्सन से आपने एक स्टोरी लिया, तो ऑब्वियसली कि आपने उनसे कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। आपने अपने अंदर कोई बदलाव ऐसा लाया, कुछ आपने पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर कुछ डेवलप हुआ है उसके बारे में? बिल्कुल, अब हिम्मत आ गई है कि अगर आप या अपने आप पे यकीन रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और नवाज और राधिका आप्टे के साथ उनको कैसा लगा ये कैरेक्टर करने के बाद? सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, सारा यूनिट इस कैरेक्टर दशरथ मांझी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। सो सारी जो फिल्म बनी एक ऐसे माहौल में बनी कि विच वॉज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो चार्ज आपको फिल्म में भी दिखाई देगा और सबके एटीट्यूड में भी दिखाई देगा। सर, ये जो मूवी है, आप दशरथ मांझी के गांव में आप ऐसे कुछ उनके यहाँ पे स्क्रीनिंग रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा आप कुछ कर रहे हैं? 17 अगस्त को उनका उनकी डेथ एनिवर्सरी है, और उस दिन हम गहलोर में उनके गांव में जाके जो पहाड़ तोड़ के जहाँ पे उन्होंने रास्ता बनाया था वहीं उनके लिए, गांव वालों के लिए स्क्रीनिंग रखना चाहते हैं। सर, वो जो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना, तो वो जगह सच में मूवी में भी दिखाई गई? जी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, प्रेम पर बहुत बल है भगवान।